Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है जो भी एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पे दिया था ना, तो वो एक बार इसका जो है रिजल्ट देख लेते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये आप एबीबी एलकम वगैरह जो है ये सब भी चेक कर सकते हो, बट मैं सबसे पहले जो है चेक करना चाहूँगा अपना डीएलएफ वाला को। जो डीएलएफ अगर आप देखोगे, डीएलएफ अगर आप चेक करोगे, तो डीएलएफ में हमें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं और प्राइस देखते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, प्राइस अगर हम बात करें ना, तो 340 के आसपास से जो है 518 तक पहुँच चुका है। अगर आप यहाँ पे डीएलएफ का इस को ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट देखिए 426 आपको देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था 426 के आसपास। यहाँ पे आपको अगर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए अगर करना है तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा जूम करें और देखें 426 के आसपास, मतलब कि यहाँ पे और प्राइस अच्छा खासा यहाँ पे 518 तक पहुँच चुका है। तो ये भी हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला। ये अगर आपने नहीं देखा तो मेरे YouTube चैनल के वहाँ पे शॉर्ट्स पे आपको मिल जाएगा ये वीडियो। वहाँ पे क्लियर कट मैंने सारी चीज़ें एंट्री स्टॉप लॉस वगैरह जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। उसके बाद मैंने IDFC भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे करेंट मार्केट प्राइस 64.25 चल रहा था। तो IDFC फर्स्ट बैंक अगर आप चेक करोगे यहाँ पे 64 के आसपास, यहाँ पे देखिए पैटर्न वगैरह भी बना हुआ है। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया था और सपोर्ट रेजिस्टेंस को, और यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला है। मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है 64 के आसपास मैंने शेयर किया था, और 64 से आप देख सकते हो ये भी अच्छा खासा 64 से 87 जा चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें को मेंशन किया है, और अपडेट यहाँ पे मैंने आपको दिया था। और अगर आप पीछे जाओगे और चेक करोगे और हमें क्या क्या देखने को मिला है, इंडिया बुल हाउसिंग जो कि मैंने जो है वीडियो में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, इंडिया बुल हाउसिंग की अगर हम बात करें करेंट मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे 115 आप देख सकते हो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 115, ये देख लीजिए 115। और इंडिया बुल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 115 से 143 का जो है मूव हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। 115 के यहाँ पे 115, यानी कि यहाँ के आसपास हम लोगों ने आपके साथ इस स्टॉक को शेयर किया था। 107 के SL दिए थे हम लोग, और यहाँ पे SL तो हिट नहीं किया, और यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे अप मूव हमें देखने को मिला। आप यकीन नहीं करोगे ना, प्राइस ये इतना लो लगाया था 92 के आसपास, जो कि एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट से देखिए, ये एक इन्वेस्टिंग के लिए भी एक अच्छा जो है मैंने शेयर किया था अपने जो मेंबर्स लोगों के साथ, और यहाँ पे देखिए प्राइस 143 का आसपास हमें मूव देखने को मिला। तो काफ़ी अच्छा मूव गया इंडिया बुल हाउसिंग भी। और अगर हम दूसरे स्टॉक्स को भी एक बार देख ले, ये DLF देखिए 468, बहुत अच्छा अच्छा मूव हमें देखने को मिला। इंडिया बुल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा भी देख लेते हैं एक बार ही। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखोगे, इसमें करेंट मार्केट प्राइस जो है तब चल रहा था, ये शायद अपडेट है राइट। अगर हम बैंक बड़ौदा की यहाँ पे देखिए 171 के आसपास था प्राइस तब। अगर आप अभी बैंक बड़ौदा चेक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट जो है प्राइस दिखेगा 202, यानी कि हाई भी लगा चुका है 210 के आसपास। 171 में आपको ये स्टॉक जो है शेयर किया था आप लोगों के साथ, और देखिए प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो ये भी काफ़ी अच्छा हमें मूव देखने को मिला बैंक ऑफ बड़ौदा। और पीछे अगर हम जाएं और थोड़ा सा यहाँ पे आईबुल बैंक बड़ौदा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। जी एम आर इंफ्रा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जी एम आर इंफ्रा भी अगर आप चेक करने जाओगे, देखिए 40 के आसपास हम लोगों ने एंट्री आप लोगों के साथ शेयर किया था। 40.6 एग्जैक्टली प्राइस आया, और यहाँ से एक अच्छा खासा आज भी देखिए कितना मतलब अच्छा मूव हमें देखने को मिला है। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अगर आज इसने मूव किया है 2% का मूव किया है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला जी एम आर इंफ्रा।
और बाकी जो है अंबुजा सीमेंट जो है 440 के आसपास मैंने आपके साथ शेयर किया था, अंबुजा सीमेंट 440 के आसपास। तो चलिए इसका प्राइस भी देख लेते हैं। देखिए 440 के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन प्राइस जो है डाउन आया और हमें यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है SL हमें होते हुए, उसके बाद ये प्राइस ऊपर चला गया। तो कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी स्टॉक तो हमें अच्छा प्रॉफिट दिया है, बट एक दो स्टॉक अगर SL होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो है 1:1 का SL रखा था और बाकी जो प्रॉफिट है बहुत ही शानदार प्रॉफिट हमें देखने को मिला, जो भी मैंने शॉर्ट में आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर किया था। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, मैंने जो है जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। और वीडियोस में अगर हम जाए और भी बहुत सारे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे हमें मूव देखने को मिला है। और हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलते हैं तो मैं आपको यहाँ पे और एक स्टॉक दिखाता हूँ जो कि है J&K बैंक। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि J&K बैंक जो है काफ़ी तगड़ा वाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कहाँ से आपको बाय करना है। तो मैं यहाँ पे एक बारी के लिए J&K बैंक टाइप कर लेता हूँ। और ये देखिए मैंने आप लोगों के साथ ये जब प्राइस 60 में था मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था, और प्राइस देखिए हाईएस्ट 76 तक गया था। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिला J&K बैंक। और इसी तरह के जो स्टॉक हैं विप्रो भी, विप्रो में ये वीडियो तो आपने देखा हुआ होगा विप्रो में कैसा मूव था। जो सबसे आज अच्छा मूव दिया ये था बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़, अगर आपने इसको चेक किया होगा। यहाँ पे मैं अपना FNO स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ और जो है चेंज ऑफ परसेंटेज पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको शायद दिख जाए, ये देखिए बालकृष्णा इंडस्ट्री 3% का अप मूव हमें देखने को मिला, बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिला यहाँ पे। और साथ ही साथ महाबैंक भी आप लोगों के साथ मैंने इसको इन्वेस्टिंग के लिए आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। SRF भी हमें जो है यहाँ पे जो है SL दिया था, बट SL के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छे हमें मूव देखने को मिला, जो कि अगर आप मेरा रेगुलरली वीडियोस देखते हो तो यह मेरा बैकअप प्लान वाला जो है पॉइंट मैंने मिस आउट कर दिया था, इसके वजह से जो है यहाँ से ही प्राइस ऊपर गया। और बाकी स्टॉक्स तो हुडको वगैरह भी हमें अच्छा मूव हमें देखने को मिला, BPCL, ABFRL ये सारे स्टॉक भी हमें देखने को मिलेंगे। BPCL अगर आप चेक करोगे तो मैं भी इसी का वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों के साथ इस स्टॉक को मैंने क्लियर कट डिस्कस किया था कि प्राइस अगर आएगा नीचे धीरे धीरे आएगा, और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये जो ग्रीन लेवल को हिट करके ऊपर जाएगा आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो। तो मैं अभी भी इसका लेवल को वेट कर रहा हूँ BPCL का, तो देखते हैं किस तरीके का जो है इसका मूवमेंट है। बट मैं एक्सपेक्ट तो यही कर रहा हूँ कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद हम लोग वहाँ पर कोई ट्रेड प्लान करें, उसके बाद हम लोग देखेंगे ABFRL, जो कि ये वाला फैशन वाला अगर आपने देखा होगा ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, स्टॉक एनालिसिस मैंने किया था, और इसमें प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करंट मार्केट प्राइस में भी आप ले सकते हो। मैंने इसमें क्लियर कट प्राइस एक्शन डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, मैंने कहा था कि अगर ये मूव करेगा तो 258 सबसे पहला टारगेट होगा, उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें 320 इसका टारगेट होगा, और जो इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट की हम बात करें 356 होगा। हाँ, अगर यहाँ से जो है सेलिंग प्रेशर आता है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू पे हम लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जितने भी अभी हम लोगों ने एनालिसिस अभी देखा, तो आने वाले टाइम पे अभी हम लोग फिर से इसका एनालिसिस शुरू करने वाले हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें शेयर कर दिया है। और जो लोग अभी हमारे अंडर पर डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं तो उन लोग के पास एक एक्सेल शीट गया होगा, तो उनको मैं जो है 200 स्टॉक का टोटल मैंने स्टॉक उनके साथ शेयर कर दिया है, वो अगर चाहें तो ये वॉचलिस्ट में सेव कर सकते हैं जो जो स्टॉक मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और साथ ही साथ अभी इसका जो एनालिसिस है हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और काफ़ी स्टॉक जो है अभी बहुत ऊपर जा चुका है, हम लोग एक्सपेक्ट करें कि वहाँ से एक बार डाउन आए और उसके बाद वहाँ से हम लोग जो है अगेन हम लोग बाइक के लिए तैयार हो जाए। अभी हम लोग को टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑप्शंस के ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा, और इक्विटी जो कैश सेगमेंट है उसमें भी ऐड कर लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।